6 दिसंबर से एक 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत हुई, जिसका विषय भारत में प्रवास एवं स्वास्थ्य के हालिया रुझान है। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर हरप्रीत सिंह एवं डॉक्टर आदित्य सिंह हैं। उद्घाटन सत्र का शुभारंभ मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं कुलगीत गायन से हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गौरव कलोता की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम में कुल सचिव काही विवि प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग काही विवि प्रोफेसर वीएन शर्मा एवं भूगोल विभाग के अन्य प्रोफेसर उपस्थित रहे। डॉक्टर हरप्रीत सिंह ने कार्यक्रम की विषय वस्तु की जानकारी दी। उन्होंने विषय को कोरोना काल की परिस्थितियों से संबंधित करते हुए विषय की प्रासंगिकता समझाई। IIPS के डिपार्टमेंट ऑफ माइग्रेशन एंड अर्बन स्टडीज के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर RB भगत ने विषय विशेषज्ञ के रूप में विषय से संबंधित तथ्य साझा किए हैं। इस कार्यशाला में देश भर के विभिन्न प्रांतीय एवं केंद्रीय विश्वविद्यालयों से शोधार्थियों एवं प्रोफेसरों ने हिस्सा लिया। मैं अरुण कुमार सिंह हूं, प्रोफेसर हूं भूगोल में और यहां पे वर्तमान में रजिस्ट्रार बनारस यूनिवर्सिटी। ये मूलतः जो हाल के वर्षों में कोविड से प्रभावित लोग रहे हैं उसमें जो माइग्रेशन की प्रक्रिया रही है और उससे जुड़ा हुआ जो हेल्थ इश्यूज आया है उस पर ये एक सप्ताह का सेमिनार कार्यशाला आयोजित किया गया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय भूगोल विभाग की तरफ से। तो स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होगा इसमें? जो हमारे छात्र हैं जो सामाजिक विज्ञान संकाय के होंगे अधिकांश, उनको नए तकनीक बताए जाएंगे, उनके शोध से विषय शोध के में इससे आसानी होगी, टूल्स टेक्निक्स को यूज कर सकेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी बताया जाएगा इस विषय पर आधारित। आपके सब मुख्य अतिथि को आज के मुख्य अतिथि पंजाब विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष हैं श्री गौरव कलोत्रा जी। जी अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मैं प्रोफेसर गौरव कलोत्रा, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। सर, आज किस प्रकार के वर्कशॉप में शामिल हुए और क्या है ये जो वर्कशॉप है? ये है माइग्रेशन और हेल्थ के ऊपर, माइग्रेंट्स और हेल्थ। हेल्थ जो है, जब हम माइग्रेंट्स की बात करते हैं तो हेल्थ माइग्रेंट्स की, हम एक ऐसा टॉपिक है, जब भी हम माइग्रेशन की बात करते हैं हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखते हैं कि लोग मूव कर रहे हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ, तो वो पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं। बट जो मेन बात है उनकी जो हेल्थ है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। और हेल्थ की बात करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि ये कोविड के बाद, ये लॉकडाउन के बाद इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई, पहले भी थी। जो माइग्रेंट्स हैं जब वो यहाँ से जाते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जॉब्स हैं, नौकरियाँ हैं, और नौकरियाँ फॉर्मल सेक्टर में नहीं है, इनफॉर्मल सेक्टर में है। आपके घरों में जो काम वाली भाइयाँ काम करती हैं, माली आते हैं, गाड़ी धोने वाले आते हैं, वो सारे माइग्रेंट्स हैं, वो लोकल लोग नहीं वो काम करते हैं। तो जब ये लोग जब यहाँ पे जाते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर में ये काम करते हैं तो इनफॉर्मल सेक्टर में वेजेस बहुत कम है, इनको सैलरी बहुत कम मिलती है। तो जब सैलरी कम मिलती है तो ये जो शहरों में जो बड़े बड़े घर हैं या छोटे घर भी हैं उनका ये किराया नहीं दे पाते, तो क्या होता है कि ये स्लम्स में या जो पुराने मकान हैं, बहुत गिरने वाले मकान हैं, टूटे फूटे मकान, उनमें जाकर रहना शुरू कर देते हैं। और जब ये इस तरह के घरों में रहते हैं और वहाँ पे बहुत पॉपुलेशन हो जाती है तो वहाँ पे उसको स्लम्स कहते हैं, झुग्गी झोंपड़ियाँ। अब झुग्गी झोंपड़ियों में ना इनके पास पीने का पानी है, ना हाइजीनिक, ना ड्रेनेज है, ना सीवेज है, तो ये लोग वहाँ पे बहुत ही दयनीय स्थिति में रहते हैं, जिसके कारण वहाँ पे बहुत सारी, जब भी कोई बीमारी आती है तो सबसे पहले वहीं पे ही फैलती है, वो मलेरिया हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, सबसे पहले वहीं पे, क्योंकि वहाँ पे हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है, जिसके कारण जो ये जो माइग्रेंट्स हैं इनकी हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आज की ये जो वर्कशॉप, जो एक हफ्ता वर्कशॉप चलेगी, इसी आस्पेक्ट को कि हेल्थ माइग्रेंट्स की कैसे इफेक्ट होती है उसके ऊपर ये ज़्यादा फोकस रहेगा इसका।